हम आपको दिखा रहे हैं सीधा प्रसारण हरियाणा के हिसार से, जहां पर संत रामपाल जी के अनुयायी भारी संख्या में यहां पर एकत्रित हुए हैं। जानते हैं क्या कारण है कि संत रामपाल जी के अनुयायी लाखों की संख्या, हजारों की संख्या में आपको हिसार प्लेटफॉर्म पर देखने बैठे हुए हैं। आज संत रामपाल जी के हिसार में पेशी थी। इस दौरान देश भर से और विदेश से नेपाल तक के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आखिर क्या कारण है कि संत रामपाल जी के अनुयायी हर तारीख पर यहाँ पर हजारों की संख्या में एकत्रित होते हैं, जबकि हरियाणा प्रशासन उन्हें इतना तंग करती है, लाठी चार्ज करती है, फिर भी वो नहीं मानते हैं। संत रामपाल जी की लोकप्रियता दिन पे दिन प्रति आसमान छू रही है, लेकिन हरियाणा प्रशासन को अभी भी होश नहीं आ रहा है। एक निर्दोष संत को जेल में कर रखा है। आप देख सकते हैं किस तरह से अनुयायियों की हजारों की संख्या में हिसार में डटे हुए हैं। पुलिस प्रशासन इनको आगे नहीं निकलने दे रही है। संत रामपाल जी के अनुयायी यहाँ पर इस तरह से बैठे हैं जिस तरह से एक चरवाहा भेड़ बकरियों को घेर लेता है। यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए हैं। हरियाणा प्रशासन इनको यहाँ से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। अभी धूप भी पड़ रही है सुबह से, रात भर सर्दी से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी सरकार ने इनके प्रशासन बहुत फोर्स लगा रखा है स्टेशन के बाहर, लेकिन फिर भी यहाँ पर डटे हुए हैं। चला रहे हैं। अनुयायियों की मांग है कि यहाँ पर संत रामपाल जी निर्दोष हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से अनुयायी यहाँ पर डटे हुए हैं। आप देखिए संत रामपाल जी के अनुयायी किस तरह से यहाँ पर एक नए उल्लास हर्ष के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी के अनुयायियों को यहाँ से जैसे नहीं गिनने जा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब हमको मिलाते हैं संत रामपाल जी के वहाँ पे कितनी दूर से जाते हैं, इनके हालत है अपने मुख्य जवानी से आपको बताएंगे। क्या नाम है आपका? बलराम दास। कहाँ से आए हुए हैं? पंजाब होवर से, डंगरखेड़ा गांव से। आप यहाँ क्यों आए हुए हैं? संत रामपाल जी के दर्शन के लिए। दर्शन हो गए आपको? नहीं जी। फिर आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? यहाँ प्रशासन जाने नहीं देता, पुलिस वाले नहीं जाने देते यहाँ से। क्यों, क्या कहते हैं? ये जाने नहीं देते बाहर, यहाँ गिरा रखा इन्होंने, स्टेशन से बाहर नहीं जाने देती है। तो आप यहाँ पे क्यों आए हैं इतनी दूर से? इतनी दूर दर्शन करने के लिए आते हैं हम। आपको क्या मिलता है यहाँ पे? हमारे पिताजी हैं, वो पिताजी के दर्शन करने के लिए आते हैं, परमात्मा है वो। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं आप? यूपी से। क्या, किस लिए आए वहाँ पे? ये सतगुरु रामपाल जी महाराज के दर्शन के लिए आए। तो आप दर्शन करने क्यों नहीं गए? ये प्रशासन जाने नहीं दे रहा, ये मतलब निकलने नहीं दे रही बाहर के लिए, बड़ी परेशानी के सामने। आप देख सकते हैं अनुयायी किसी दुख दर्द में यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हरियाणा प्रशासन कतई भी इनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह इनके साथ सलूक होता है यहाँ पर। आप देख सकते हैं पूरा स्टेशन खचा खच भरा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको पूरी तरह से चारों तरफ से पुलिस फोर्स लगा रखा है। अनुयायियों के यहाँ से हिसाब से नहीं निकलने दिया जाए। स्टेशन पे आने जाने लोगों को भी परेशानी हो रही है, लेकिन आप यहाँ अनुयायियों की जबानी देखे, आप देखिए किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप यहाँ क्यों आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। यहाँ क्यों आए हुए हैं? हम अपने गुरुदेव जी से के दर्शन करने के लिए आए हैं। फिर दर्शन करने क्यों नहीं गए? हम दर्शन करने के लिए गए थे, पुलिस वालों ने हमें मार के भगा दिया। अच्छा, आपकी पिटाई की है? हाँ, तो मारा पुलिस वालों ने। अच्छा जी, हाँ। तो अब आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? क्या करें, जब तक हमारे गुरु जी के दर्शन नहीं होंगे हम ऐसे ही आते रहेंगे।
हम न्याय की मांग कर रहे हैं, हमारे को न्याय नहीं मिल रहा है। क्या इस सरकार की हमारे को आने का कोई अधिकार नहीं है? हमारी गलती बताओ क्या है? आज 5-10 हजार भाई बहन आए हुए हैं, स्टेशन से बाहर नहीं निकलने देते, हमारा पानी काट दिया गया, बाथरूम के लिए भी 10 रुपए मांगते हैं ये। क्या जाएं हम लोग, गलती क्या है हमारी बताओ? आप मीडिया वाले आके हमारे को परेशान करने लगे, पूछते हो, कुछ दिखाते हो? कुछ नहीं दिखाते हमारा, हम क्या करें? हमारी गलती बताओ क्या है? हम अपने गुरुदेव के दर्शनों के लिए आए हैं और फिर भी हमें कोई दर्शन नहीं करने दे रहा, आखिर गलती क्या है हमारी? इतनी इतनी दूर से हम लोग आते हैं, गलती बताओ क्या है हमारी? सिर्फ एक दर्शनार्थ आते हैं, इसलिए हमारे भगवान है हम, अगर हमारी गलती है तो हमें भी सजा दो, नहीं तो हमारी CBI जांच करवाओ। सिर्फ हमारे हम सब जितने भी हमारे भाई भगत बहन है सब CBI जांच की मांग करते हैं। अगर हमारी कोई गलती है तो हमें भी जेल में डाल दो, या हमें न्याय दो या हमें मौत दो। बोलो सतगुरु। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी के अनुयायियों किस तरह से सरकार प्रशासन कर रही है, यहाँ पे उनको टॉयलेट तक भी नहीं जाने दे रही है, यहाँ पे पैसे ले रही है टॉयलेट के लिए, 20 रुपए टॉयलेट लेके लाइन लगाना पड़ता है और 20-20 रुपए देना पड़ता है हमको। हाँ यहाँ पर कुछ न्याय है? 20-20 रुपए कभी लेते हैं टॉयलेट के? यहाँ पर 20-20 रुपए लेते हैं, फिर भी परेशानी हो रही है। वो पानी तक पीने का पानी तक बंद कर रही है। आप देखिए संत रामपाल जी के अनुयायियों को किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ पर ना तो टॉयलेट के लिए व्यवस्था है इनकी, ना तो पानी पीने के लिए व्यवस्था है, सारी जगह से इनके साथ शोषण हो रहा है, पानी पीने के लिए नल भी बंद कर देगा। आप संत रामपाल जी के अनुयायियों की मुंह जुबानी सुन सकते हैं, देखिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। संत रामपाल जी के अनुयायी यहाँ पे भारी संख्या में है, चारों तरफ देखे स्टेशन के चारों तरफ संत रामपाल जी के अनुयायियों का तांता लगा हुआ है। आप देखिए संत रामपाल जी के अनुयायियों का रेला, चारों तरफ संत रामपाल जी के अनुयायी स्टेशन पे नजर आ रहे हैं। आप इस तरह का नजारा कभी नहीं देख सकते हैं। आप देखिए संत रामपाल जी के अनुयायियों का तांता, चारों तरफ संत रामपाल जी के अनुयायी है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी गलती तो बताओ कुछ, हम लोग इतने जाते हैं फिरते हैं सब यहाँ जा रहे हैं, हर जगह हमें लगता है भाई हमारे गुरु के बारे में हमारे कोई न्याय क्यों नहीं मिल रहा है साहब? तो आप यहाँ क्यों आए हुए हैं? हम दर्शनार्थ के लिए, हमें दर्शन पर इतने दुर्लभ हो रहे हैं, हम गुरु के नाम से आए हैं और गुरु के दर्शन का हम है तक नहीं जानते हैं। तो क्या जाने दे रहे हैं आपको? अब जाने के बाद गलती होता है, हमारा खुद मान परेशान हुए हैं। अब देखिए मंदिर छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। हमारे ये बता हमारे परमात्मा ने क्या करा है, जेल में डाल के रखा है। हमारे पूरे परमात्मा धरती पे आए हैं सबको तारने के लिए आए हैं और उनको जेल में
बताओ मैं परमात्मा तो साक्षात पूर्ण परमात्मा है, भगवान ही को सरकार ने जेल में डाल रखा है, तो फिर क्या नहीं कर सकते बताओ? हमारा तो परमात्मा को बाहर निकालो, नहीं तो हमको भी सजा दो, हमको साथ हमको भी जेल में डालो। मैं परमात्मा सही है और हम भी सही है, उनके भक्त भी सब सही है। सरकार हमको लाठी मारती, दर्शन ही नहीं करने देती। हम इतनी दूर दूर से आते, हम इंदौर से आए हुए, इतनी दूर दूर से आते, सरकार लाठी मारती हमको, हमको दर्शन ही नहीं करने देती हमारे परमात्मा के। बताओ क्या करा हमारे परमात्मा ने, उनके भक्तों ने भी क्या करा? आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आपको यहाँ पे क्या परेशानी हो रही है? क्या परेशानी? बहुत परेशानी, बाहर ही नहीं जाने देते खाना खाने को, हम कहीं होटलों में रुकते रुकने ही नहीं देते, हम क्या करें बताओ? जेल के यहाँ परमात्मा के दंड पर नाम नहीं हम कर सकते, भगाते लट मारते हमको। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी अनुयायी कितनी दुखी है यहाँ पर। आप कोई भी पत्थर दे लोगा जो आंखों से आंसू नहीं आएंगे, यहाँ पर बुरी तरह से फंसे हुए हैं संत रामपाल जी के अनुयायी। हरियाणा प्रशासन उनके साथ अपना अत्याचार कर रही है, हजारों की संख्या पे यहाँ पे अनुयायी किसी को खाने खाने के लिए नहीं जाने दे रही है, टॉयलेट कर तक जाने के लिए नहीं जाने दे रही है। आप देख सकते हैं क्या हालत है यहाँ पर, यहाँ पे खाना खाने के लिए नहीं जाने देते, खाना खाने के लिए नहीं जाने देते, भूखे प्यासे खाना खाने के लिए बिल्कुल बाहर नहीं जाने दे रहे भगत जी, बिल्कुल परेशान, डंडा मारते हैं, बिल्कुल डंडा मारते, बाहर जाने नहीं देते बिल्कुल भी। इसको बंद कर दिया करो जी, एक मिनट रास्ता बना, एक मिनट आपका आगे इंटरव्यू। पूरी तरह से कितने भोले भाले लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हरियाणा सरकार इनके साथ कितना प्रताड़ित कर रही है, इनको खाना खाने के लिए भी जा रहे हैं। लट मारे पुलिस वाले भाइयों ने, बहुत बड़े स्टेशन के चारों तरफ संत रामपाल के अनुयायी इधर आ रहे हैं, चारों तरफ देखिए संत रामपाल जी के अनुयायी। आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा संत जो यहाँ पर हरियाणा सरकार ने देशद्रोह के मुकदमे बंद कर रहा है, आज इसी देश के हजारों की संख्या में जन यहाँ पर बैठे हुए हैं, हिसार तारीख पर आए हुए हैं, हिसार स्टेशन पे अपना डेरा जमाए हुए हैं। और आपको बताते हैं अनुयायियों के साथ क्या प्रशासन के साथ अत्याचार कर रही है। सर हम मालिक के दर्शन के लिए आए हैं परमात्मा के, और मालिक पुलिस वाले भाइयों ने मुझे बहुत बुरी कदर से मारा है, और इतने जोर से लट मारे, मैं मना कर रहा हूँ तो भी कूद कूद के लट मार रहे सर, और इतने जोर से लट मारे आपको बता सकता हूँ सर, पूरे मारे पे पूरे शरीर पे पूरे लटी लट पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं लाठी, बिल्कुल लगे हुए हैं सर, पीठ से मारे सर, बहुत बुरी कदर से मारे पुलिस वाले भाइयों ने। आप देखिए, ये देखो, आप देखिए पुलिस का अत्याचार देखिए, किस तरह से लाठी लगी हुई है इन पे। हरियाणा प्रशासन ने अपनी सारी सीमाएं पार कर दी है अत्याचार की, निर्दोष भोले भाले लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से इनकी पीठ पर लाठी पड़ी हुए हैं। अब आपको सही और संत रामपाल जी के अनुयायियों का कोई कसूर नहीं है। पानी भी बंद कर देते हैं लोग, पानी भी बंद कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ बाथरूम करने के लिए जाती है तो लेडीज उनसे 10 रुपए लिए जा रहे हैं, उनसे कहते तो लेटरिंग के पे लेटरिंग में पानी भी नहीं है, तो वो कह रहे हम लेटरिंग कहाँ करते, उनको उनका तुम्हारी इच्छा हो जहाँ कर लो लेटरिंग, ऐसी है कि सुविधा है यहाँ पे, कहीं जाने नहीं देते हैं, बाहर कहीं जाने नहीं देते। परमात्मा के कल दर्शन के लिए सुबह 6 बजे जा रहा था, झंडा फेंक के मारा कि हमारे चोट आ गई।